स्वागत है आप सभी का चैनल पे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सेडिशन लॉ बिल के बारे में। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि भारत में देशद्रोह विधि को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने 11 अगस्त 2023 को संसद में 3 प्रस्तावनाएं पेश करते समय ये घोषणा की। इन प्रस्तावनाओं का उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को पुनरीक्षण करना है। शाह ने कहा कि देशद्रोह विधि का सरकार ने पिछले में विरोधकों को दबाने के लिए दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि यह विधि क्रूर है और एक लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। देशद्रोह विधि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A 1870 में ब्रिटिश शासक काल के दौरान पास की गई थी। इस विधि के तहत भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष को उत्तेजित करना एक अपराध है। इस विधि को अस्पष्ट माना गया है और इसका दुरुपयोग विरोध को दबाने के लिए किया जाने की आलोचना की गई है। हाल के वर्षों में विरोधकों, पत्रकारों और छात्रों के खिलाफ देशद्रोह विधि का दुरुपयोग करने के कई मामूली मामले हुए हैं। अमित शाह की देशद्रोह विधि को खत्म करने की घोषणा को बहुत सारे लोगों ने स्वागत किया है, जिन्होंने इसे खत्म करने की दिमागी क्षमता की मांग की थी। हालांकि इसके साथ ही कुछ चिंताएं भी हैं कि देशद्रोह विधि की खत्मी से हिंसा और उपद्रव में वृद्धि हो सकती है। सरकार ने कहा है कि वे देशद्रोह विधि की जगह एक नई विधि पेश करेंगे। यह नई विधि विशिष्टता में बेहतर होने की संभावना है और उसका दुरुपयोग कम होने की संभावना है। अभी तक ये कहना काफी कठिन है कि देशद्रोह विधि की खत्मी का प्रभाव क्या होगा। हालांकि ये भारत में वाणी की स्वतंत्रता की सुरक्षा के प्रति एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।